कंपनी का बोर्ड है, 4.1, उसमें ये 4, 20, 30 फिर एक आईसी लगाया हुआ है, तो मुझे ये दो आईसी चेंज करके, ये मैं दो चेंज करूँगा उसके अंदर। ये 250 वाला है, दिखे नहीं कि पता नहीं, कुछ भी दिखेगा नहीं। ये 250 वाला आईसी है, ये उसमें डालने वाला हूँ दो, देखते हैं। ये भेजा है तो मुझे अभी दो चेंज करेंगे, दो बाद में चेंज करेंगे, तो अभी दो चेंज करके देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। क्योंकि उसका जो मेरे पास दूसरा बोर्ड है अमेजोन का, उसमें 2 2050 वाला है, 2 2030 वाला है, अभी उसमें दो चेंज करेंगे, ये देखेंगे कैसा होता है। 2 20 30 वाला आईसी निकाल दिया है, अभी उसमें 20 50 वाला है, दो आईसी डालेंगे, देखते हैं क्या होता है। TDA 2050 का ये दो आईसी लगा दिया, और उसमें से ये 2030 वाला आईसी निकाल दिया, देखो तो परफेक्ट काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ दो आईसी चेंज कर सकते हैं जो बेस में काम करती है, उसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते, तो बराबर काम करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ा हीट सिंक लगा दिया है, फिर भी हीट सिंक तो गरम तो होता है, लेकिन बराबर काम करती है। तो ये एक्सपेरिमेंट तो ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने ये बोर्ड अमेजोन से ख़रीदा था, बराबर है ये, और ये दोनों सेम है। इसमें 2 4 20 30 TDA की आईसी थी, और दूसरा ख़रीदा उसमें पहली दो है वो 20 30 की TDA की आईसी है, और दूसरी जो बेस साइड में मैं दिखा रहा हूँ वो 20 50 TDA की आईसी थी। तो मैंने सोचा कि चलो उसमें भी ऐसा कर देते हैं, तो उसमें भी मैंने 20 50 वाली लगा दी, तो बराबर काम करती। लेकिन बोर्ड की डिजाइन सेम ही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो क्यों काम नहीं करेगी, तो बराबर काम करती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 20 50 वाली आईसी वाला बोर्ड लेते हैं तो 100 रुपया ज़्यादा लगता है, और 20 30 वाली आईडिया वाला 20 30 वाली 4 आईसी वाला बोर्ड लेते हैं तो 100 रुपया कम लगता है, तो ये करने में कोई मतलब नहीं है। लेकिन आगे 4 आईसी 20 50 वाली TDA 4 आईसी 20 50 की आप कभी नहीं लगाए, वरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो सपोर्ट के जो कैपेसिटर दो हैं, दो यहाँ बेस के लिए, ये कैपेसिटर यहाँ नहीं है, देख लो, सिर्फ सिंगल कैपेसिटर दिया है, इसलिए ये आइडिया करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई ख़राबी हो गया तो 4 आईसी और 4 ट्रांजिस्टर और 2 आईसी चेंज करना पड़ेगा, कैपेसिटर का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं तो एडवाइस देता हूँ ये नहीं करना, 100 रुपये ज़्यादा दे के वही बोर्ड खरीद लेना अच्छा है जो अमेजोन से मैंने ख़रीदा, मैंने बताया, जिसमें 2 20 30 वाली आईसी आती है और 2 20 50 वाली आईसी आती है, वही खरीद लेना अच्छा है, 100 रुपया ज़्यादा दे देने का। ये भी अच्छा चलता है 20 30 वाला भी, लेकिन मुझे शौक था, क्योंकि आईसी इतना महंगा आता है और करने की मेहनत से 100 रुपया कुछ भी नहीं है, तो अभी ये खेल ख़त्म हो गया। आवाज़ सेम ही है दो बोर्ड की, जो पहले बोर्ड दूसरे आवाज़ में भी, आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं आया। हीट सिंक चेंज करना है तो आप बड़ा कर सकते हैं, कितना भी बड़ा हीट सिंक लगाओ फिर भी जो गर्म होने वाला हो तो गर्म होगा, उसके पीछे फैन लगाना ज़रूरी है, और तो मैं क्या उसमें बता सकता हूँ। और एक उसने ये लगाया, इसमें ये लोगों ने लगाया 204 नंबर का, क्या है पता नहीं, लेकिन दूसरे बोर्ड में था तो मैंने उसमें भी लगा दिया है।